हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं कोची इंटीग्रल टेस्ट। इससे पहले मैं आपके सामने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आइडिया दिया था। देन उसमें कुछ टेस्ट भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए जिसमें मैंने आपको रेशियो टेस्ट है एंड देन कंपेरिजन टेस्ट है और भी जो मेरे टेस्ट है आप यहाँ पर जो ITA 12 यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर रखे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो मेरा वीडियो खत्म होता है उसके लास्ट में जो स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कोचिंग रूट टेस्ट क्या होता है ऑफ कन्वर्जेंस। So, ये सेम लगभग एक जैसे ही यहां पे टेस्ट आते जा रहे हैं, बट थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा यहां पे कि ये टेस्ट लगाना है ये टेस्ट लगाना है। तो स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन देखते आपको पैटर्न देखते समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप का टेस्ट लगाना। लाइक मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कोची रूट टेस्ट में क्या होता है। अ सीरीज समेशन UN ऑफ ए पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होगी अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी आ रही है तो वो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है तो क्या होती है डाइवर्जेंट होती है। और अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती तो वो टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है। फिर हम उस वाले केस में दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो यहां पे एक चीज बता दूं मैं आपको कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें इस टेस्ट से करना। वैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर आपको बाय नेम पूछेगा कि भैया कोची रूट टेस्ट यूज करिए, पर अगर आपको कोची रूट टेस्ट के लिए कुछ नहीं बोले तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जो सीरीज है जिसके ऊपर पावर एन या एन स्क्वायर बन रहा है ताकि 1/n लोगे तो वो पावर क्या कर देगा उसको कैंसिल कर देगा। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इस मेथड से करते हैं जिसके हम कन्वर्जेंसी टेस्ट करते हैं कि भैया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जिसमें जैसे लाइक ये पावर एन स्क्वायर या अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और लेने वाला हूं है ना। तो अभी मुझे कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं सर आप पढ़ा तो रहे पर हमें कैसे पता पड़ेगा ये लगाना है। तो भैया आपको क्वेश्चन के पैटर्न से आपको आइडिया लगेगा, आप प्रैक्टिस करिए, उस प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टेस्ट कहाँ लगाना है, राइट। तो देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज दिस। तो स्टूडेंट हमारा जो UN है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, राइट है ना। सो UN की जो वैल्यू है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे UN इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको यहाँ पे n+1/n^2 / 3n। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे UN पावर 1/n निकालेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा n+1/n^2 / 3n की पावर 1/n। जो भी वैल्यू आएगी उस पर क्या करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट लगाएंगे। तो हम क्या कहते हैं मैं अभी यहाँ पे लगाई देता हूँ। सो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट ये जो पावर n है और ये n स्क्वायर से n क्या हो जाएगा कैंसिल होगा और ये भी n इसका कैंसिल हो जाएगा। मैं चलो एक काम करता हूँ मैं इसकी पावर को अलग अलग यहाँ लिख देता हूँ। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n+1/n^2 की पावर 1/n और यहाँ पे आएगा 3/n की पावर 1/n। तो स्टूडेंट ये जो n है ये इसको क्या करेगा कैंसिल करेगा। तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ ये n से n क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा मैं इस n को इससे डिवाइड करता हूँ तो ये 1 आएगा और इसको इससे नीचे डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 1/n/n और ये n से n कैंसिल हुआ तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा 3। और स्टूडेंट लिमिट का कंसेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी जो वैल्यू होती है वो e के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा e/3 आएगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट e/3 की जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है छोटी होती है ना, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है वो 2 point something होता है। तो उसमें 3 का डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी लेस देन 1 आएगा, राइट। सो बाय कोची रूट टेस्ट समेशन UN मतलब ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी इज कन्वर्जेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी आ रही है तो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट होती है और एक से बड़ी आ रही है तो क्या होती है डाइवर्जेंट होती है ना। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो e/3 आ रही है दैट इज लेस देन 1 सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए। इसकी जो nth टर्म है वो आपको गिवन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। आपको इसके nth टर्म गिवन है और आपको यहाँ पे पता लगाना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। स्टूडेंट देखो यहाँ पे n स्क्वायर पावर n स्क्वायर तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1/n करना पड़ेगा ना, तो कोची रूट टेस्ट ही लगेगा। सो स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN पावर 1/n दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN की वैल्यू कितनी है n पावर n स्क्वायर
यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, 1 प्लस एन लिख दूँ, 1 प्लस एन लिख देता हूँ पावर एन स्क्वायर पावर 1 अपॉन एन, और ये 1 अपॉन एन जब यहाँ जाएगा तो ये एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन पावर एन अपॉन 1 प्लस एन पावर एन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव स्टूडेंट मैं यहाँ पे एन कॉमन लेता हूँ तो एन कॉमन लूँगा तो ये आएगा एन पावर एन 1 बाय एन प्लस 1 पावर एन, और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू ये तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ई आएगी, तो ये आएगा 1 अपॉन ई, और हम जानते हैं मैंने अभी बताया था ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है, तो 1 अपॉन 2.7 समथिंग दैट इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन पावर 1 बाय एन की जो वैल्यू क्या आ रही लेस देन 1 हो रही है, सो बाय कोची रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो यहां पे ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए यहां पे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, आपको इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है, तो वही सेम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो यू एन है इसका जो एंथ टर्म है वो कितना है एन क्यूब अपॉन 3 पावर एन, तो यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन पावर 1 बाय एन लेंगे, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन क्यूब अपॉन 3 पावर एन पावर 1 बाय एन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट देखिए आप ये आएगा वैल्यू आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ये एन क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन पावर 3 बाय एन और 3 बाय एन पावर 1 बाय एन, ये 1 बाय एन यहाँ भी आएगा 1 बाय एन यहाँ भी आएगा, नाउ एन से एन कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन पावर मैं इसको लिख दूँ 1 बाय एन पावर 3 इन और ये आएगा 3, और हम जानते हैं स्टूडेंट लिमिट एन टेंस टू इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, मतलब हमारे पास जो लिमिट का कंसेप्ट होता है उसके बाद हम जानते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन पावर 1 बाय एन की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 और ये आएगा 3 और 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 और विच इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 बाय 3 क्या होता है 1 से छोटा होता है, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन पावर 1 बाय एन इज लेस देन 1, सो बाय कोची रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो स्टूडेंट इस तरह से कोची रूट टेस्ट को हम यूज करते हैं। नाउ इससे बाद में आपके सामने जो स्टार्ट करने वाला हूं है रैप टेस्ट, और फिर हम लॉगरिथमिक टेस्ट भी लेंगे, एंड देन आगे हम अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट मेरी जो वीडियोस है वो आपको रियली हेल्प कर रहे होंगे, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट मैं अनअकैडमी पर भी अच्छे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए, तो अगर आप चाहते हैं वहाँ पर मुझे देखना तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें, एंड देन वहां पे आप जाके गजेंद्रपुर सर्च करके वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेसन्स वीडियोस, थैंक यू।